इधर नए साल के पहले दिन फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां रविवार को कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अलसुबह ग्रामीणों ने ईंट के भट्टे के पास पड़े शव को देख पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से शराब की बोतल और अन्य सामग्री बरामद की। इस दौरान पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नईम के रूप में हुई है। देर रात नईम की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई है। मौके से बरामद चीजों के मुताबिक घटना के पीछे किसी परिचित के होने की आशंका है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी मिली है, क्या मामला है? 112 पर सूचना मिली है 58 पर, लगभग कि पवन भट्टा मलखानपुर गांव के पास एक बॉडी पड़ी है, जिसको उसे कुचल दिया गया है। तो तत्काल मौके पर SHO साहब उसकी टीम वगैरह आया, उन्होंने देखा तो फिर शनाख्त भी प्रयास किया, तो शनाख्त में ये जो है पाया गया है कि नईम पुत्र गफ्फार हैं। इनकी उम्र 40 साल है। ये जो मजदूरी करते हैं, तो ये जो है शराब से जो बॉडी के पास है दो पंगे मिले हैं, दो ग्रास मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इनका परिचित ही हो और किसी बात को लेकर इनकी जो है पत्थर से कूद कर हत्या कर दी गई हो। पुलिस जाँच में लगी है, तो प्रार्थना मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। तत्काल पुलिस जो है, पुलिस ने दो टीम बना दी है इसके लिए, और फॉरेंसिक टीम आ गई अपनी।